मंत्री नीतीश कुमार जी सिंगल मैन आर्मी है, अकेले वो काम करने में विश्वास रखते हैं। भाई सहयोगी तो बहुत दूर की बात है, मुट्ठी भर 8-10 लोग हैं, उनके अधिकारी, उनके करीबी अधिकारी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बस ये लोग सरकार चला रहे हैं। नमस्कार, न्यूज वन एशियन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रश्मि। पूर्णिया पहुंचे चिराग पासवान ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। आपको बताएं कि चिराग पासवान ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार वन मैन आर्मी है, क्या फैसले लेने हैं, क्या आगे करना है, इसके लिए सीएम नीतीश कुमार किसी से भी राय मशवरा नहीं लेते हैं। कुछ गिने चुने अधिकारी है और कुछ गिने चुने ही ऐसे नेता है जिनके सलाह मशवरा पर सीएम नीतीश कुमार काम करते हैं, बाकी लोगों को वो इग्नोर करते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर इस तरह की बातें कही और साथ ही साथ क्या कुछ चिराग पासवान की तरफ से कहा गया है, पहले सुनवाते हैं आपको। भाई हमारे पिताजी कब सत्ता में थे बताएं हमको। बिहार गठबंधन में थे ना, गठबंधन में जो डेढ़ साल की हम लोग की सरकार थी, मात्र वही एक कार्यकाल है जब हम लोग एनडीए के साथ, जब हम लोगों ने लोकसभा का चुनाव 19 में हम लोगों ने लड़ा और जो थोड़े समय के लिए हम लोग सरकार में थे। पर ये मुझे लगता है कि माननीय मंत्री साहिबा से बेहतर और कोई नहीं जानता होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सिंगल मैन आर्मी है, अकेले वो काम करने में विश्वास रखते हैं। भाई सहयोगी तो बहुत दूर की बात है कि किसी सहयोगी का वो सुझाव ले लें। मुझे ईमानदारी से उनके पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, उनके मंत्री, उनके विधायक दिल पर हाथ रखकर हमको बता दे कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनकी राय देते हैं क्या किसी भी योजना में या किसी भी कार्य को करने के लिए। हमको भाजपा के हमको नेताओं से बता दीजिए ना कि उनकी राय ली जाती है, उनसे मशवरा किया जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अकेले कार्य करने के लिए माने जाते हैं, वो और उनके 4-5 अधिकारी, बस सिर्फ ये लोग बिहार चला रहे हैं। और पिछले 15 साल से सिर्फ यही मुट्ठी भर 8-10 लोग हैं, उनके अधिकारी, उनके करीबी अधिकारी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बस ये लोग सरकार चला रहे हैं। तो जो माननीय मंत्री साहिबा मुझे इस बात का ज्ञान दे रही हैं, मैं तो उनसे आग्रह करूंगा कि भैया आप भी अगर मंत्री हैं आज की तारीख में तो कर लीजिए ना बेहतर स्थिति, जाइए वहां पर जाकर देखिए वो परिवार किस हालत में जी रहा है। पेंशन मात्र 400 रुपये उस परिवार को मिलती है, वहां पर जाकर देखिए वहां पर शौचालय की व्यवस्था क्या, बिजली पानी की व्यवस्था क्या, उस गांव की व्यवस्था जाकर देखिए मंत्री साहिबा। अगर आप कर सकती हैं तो जाके वहां का उद्धार कर दीजिए, हमसे ज्यादा खुशी किसको होगी। और ऐसे ही उनके अंदर का जितने गांव आते हैं, माननीय मंत्री साहिबा बता देंगी क्या हर गांव में शौचालय बन गए, क्या हर गांव में विधि व्यवस्था बेहतर होगी, क्या नली गली हर गांव में बन गई है, क्या हर घर में नल का जल पहुंच गया है क्या। भाई आप भी तो 15 साल से सरकार में ही है ना जो कह रही है मंत्री साहिबा, तो मुझे बता दीजिए कि आपने अपने क्षेत्र में क्या ये तमाम विकास के कार्य कर दिए, आपका क्षेत्र बिहार के गांव मॉडल टाउन बन गए, मॉडल विलेजेस बन गए क्या, विकसित विलेजेस बन गए। बन गए तो भाई बहुत अच्छी बात है, इससे ज्यादा खुशी किसी और को क्या हो सकती है, बिहारी होने के नाते इससे ज्यादा खुशी मुझे क्या होगी। पर जो गांव मैं देखकर आया हूं और जिन ग्रामीणों से मैं मिलकर आया हूं, वो सिर्फ और वो मुझे ही नहीं, आपके कैमरे पर है, ये रिकॉर्डेड है आपके कैमरे पर, क्यों ग्रामीण वहां पर किस तरीके से दुहाई दे रहे अपनी गरीबी की और बता रहे। तो आपको बताएं कि बीते दिन चिराग पासवान भोला पासवान शास्त्री के जयंती के अवसर पर उनके गांव पहुंचे थे, वहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की, बातचीत की और वहां पर वो जमीन पर बैठकर उन्होंने भोजन भी किया, जिसके बाद लगातार अब जदयू की तरफ से चिराग पासवान पर निशाना साधा जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि रामविलास पासवान जब सत्ता में थे तो उन्होंने भोला पासवान शास्त्री के लिए आखिर क्या किया। ऐसे में चिराग पासवान ने कहा कि भले ही उस वक्त स्वर्गीय रामविलास पासवान एनडीए सरकार में थे, लेकिन इसके बावजूद सारे फैसले सीएम नीतीश कुमार लेते हैं। आज बीजेपी का ऐसा कोई भी नेता नहीं है या फिर कोई भी ऐसा कार्यकर्ता नहीं है जो दिल पर हाथ रखकर यह बात कह दे कि फैसले लेने में उनकी भागीदारी होती है या फिर उनसे कुछ सलाह लिया जाता। और यही वजह है कि अब चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार को वन मैन आर्मी कह दिया है। उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार अपनी मनमर्जी करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं और यही वजह है कि आज बिहार की ऐसी दुर्दशा है। तो ये बड़ा बयान इस वक्त चिराग पासवान की तरफ से दिया गया है। फिलहाल इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।